एक रैली करके, साझा रैली करके उन लोगों ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। बाकी दल भी कुछ इसी तरीके से दमखम लगाए हुए हैं। उनके प्रदेश के जो नेता हैं स्टार प्रचारक के तौर पर या फिर केंद्र के जो लोग हैं वो सभी इस वक्त हरियाणा में अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है दिग्विजय आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शुक्रिया शुक्रिया दिग्विजय जी, कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, आप लोग लगातार युवाओं को लेकर आगे बढ़ते रहे, पार्टी जब बनी तो उसके बाद सत्ता में भी रहे, लेकिन अब लड़ाई है और संयुक्त लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, मैं अभी भी फील्ड में ही हूँ और डबाडी हल्के से बहुत बड़ी लीड से हम चुनाव जीत रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है और जोश, नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं ऐसा मैंने लंबे अरसे बाद देखा है, इतना जोश जो यहाँ पर देखने को। सभी पार्टियों के नेता उनके स्टार प्रचारक हैं। आज इनेलो और बसपा ने भी एक साझा मंच लगाया था, साझा किया मंच, और वहां से काफी कुछ अभय चौटाला ने बोला है। जो लड़ाई है इस वक्त, जो क्षत्रप पार्टियां हैं जिसमें आप भी हैं वो भी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई ऐसी होगी जिसमें किंग मेकर की भूमिका क्षत्रप पार्टियां निभाएंगी। कौन होगी वो पार्टी, लगता है ऐसा होगा? ये तो जनता ने तय करना है, जनता की मत को लेकर के अगर हम उसका एस्टिमेट लगाने लग जाए तो वो कहीं ना कहीं अहंकार की बात होगी। जनता ने तय करना है और जनता निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करेगी। जो मुद्दे हैं वो जमीन पर आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता इस वक्त आपसे या किसी और दल से, किसी नेता से आस लगाए बैठी है? अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मुद्दे, जैसे जहां पर मैं हूँ यहाँ पर पानी सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी के बाद बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्षेत्र में इंडस्ट्री लाई जाए उसका बड़ा मुद्दा है और ड्रग्स का बहुत बड़ा मुद्दा है, नशे की तरीके से हब बन गया है पूरा इलाका। अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे आप अलग अलग इलाकों में जाएंगे वहां पर अलग अलग मुद्दे हैं, मोटा बड़ा और जो साझा मुद्दा अपने प्रदेश का है वो चाहे आज कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो आज जो है रोजगार को लेकर के हो, ये सारे दुखी है। बीजेपी को विजन नहीं दिखा पाई लास्ट में, भारतीय जनता पार्टी मैं मानता हूं कि उसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को करना पड़ा। आप लोग सत्ता में रहे और अब आप सत्ता में जो लोग हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, बाकी दल आप पर आरोप लगाते हैं, जनता भी ये कहती है कि आपने इतने समय तक सत्ता में क्यों उनके साथ रहकर उनकी सरकार बनाई और चलवाई? 75% आरक्षण को हमने लागू करना, महिला की 50% रिजर्वेशन को लागू करना, 8% हिस्सा बैकवर्ड समाज के लोगों को हमने दिलाया, जो इंडस्ट्रीज चली गई थी उसको हम हरियाणा वापस लेकर के आए, मारुति को दुष्यंत चौटाला वापस होने पर लेकर के आए, खरखोदा लेकर के आए। तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो जो वादे किए थे, पेंशन को भी 2000 से बढ़ाकर 3000 करवाने का काम हुआ, किसान की 16 फसलें MSP पे खरीदी और ना केवल खरीदी बल्कि किसान के खाते में पहली बार आर्थिक का सिस्टम बीच में से कम वो किया, उसको जो है ना सीधा किसान के खाते में पैसा डालना है, तो बिचौलियापन खत्म हुआ, किसान सशक्त हुआ और 72 घंटे के अंदर पेमेंट हुई। तो मेरे हिसाब से ऐतिहासिक काम हुए, मगर कुछ काम ऐसे थे जिसमें रोड़ा बनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस जो अपनी तरफ से सर्वे के आधार पर अपने टिकट का आवंटन कर रही थी और उसके बाद अब वो कहते हैं कि हमारी एक तरफा लहर है, अब मैं सिलसिलेवार तरीके से इन पार्टियों पर आऊंगा, कांग्रेस की लड़ाई कैसी आपको दिखती है और जो उनका दावा है कितना मजबूत दिखता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा मुझे इस पर बात का जवाब दें कि जब मैं जींद का बाय इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं वहां पर मुझे 38,000 वोट मिले और भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी को 21,000 वोट मिली। मैं अगर आज ये बात कहूं कि वहां पर वो वोट काटने की उससे गए थे तो ये बड़ी अजीब सी बात। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, लंबे अरसे थे बाप बेटा एक बात की रट पकड़े हुए कि बी टीम बात आ गई तो आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों की, उसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। समय समय पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी शाही कांड कर देते हैं, कभी कोई और कांड कर देते हैं, और एक ही बात का जवाब आपने कि क्या किसी और को राजनीति करने का हक और अधिकार नहीं है क्या? क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है क्या? जी, ये तो चाहते हैं कि बाप और बेटा दो ही आदमी चुनाव लड़े, तीसरा कोई चुनाव ही ना लड़े, ये तो बेतुकी सी बात है। हरियाणा हंस रहा है इस बात पर, ये हुड्डा साहब
बोले सोच समझ करके बोले जो लोगों को हजम हो, यानी इसमें आप अहंकार नजर आपका आ रहा है कि सिर्फ हमें ही चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई एमपी बनेगा तो मेरा बेटा दीपेंद्र बनेगा, कोई जो है ना मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं बनूंगा, हर चीज मैं मेरा, सिर्फ रोहतक और सिर्फ जाति, एक जाति विशेष और एक इलाका विशेष, इससे बात लोग सोच ही नहीं पा रहे। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, इतनी बड़ी आयु के नेता है, थोड़ा सोचना भी शुरू। शैलजा प्रकरण बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए किरकिरी वाला रहा, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पर बाकी दल अपना रिएक्शन देते हैं, वो चूंकि उनके पार्टी का विषय है लेकिन उस पर निगाह भी रखते हैं। उस पूरे प्रकरण के बाद आपको लगता है कि हाँ अब शैलजा जी मान गई होंगी और मान सम्मान उनका लौट गया, इसको इस तरीके से स्वीकार किया जाए? देखिए, किसी को गाली देकर और फिर किसी जो है ना कर और अब आप उसको मना लेंगे, ये मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के इंटरन पॉलिटिक्स क्या है, मगर कमेरा वर्ग को लीडर माना, और जो लीडर होता है भूपेंद्र हुड्डा के लोगों ने किया, भूपेंद्र हुड्डा ने किया तो मियां जब होता। और वहां पर तीन सीएम के दावेदार हैं, सुरजेवाला कह रहे हैं कि भाई प्रजातंत्र में सबको हक है, ये लड़ाई क्या कांग्रेस के लिए बड़ी हो जाएगी और इस पर भी आप लोग की निगाह है, आप लोग को लगता है कि हाँ जो परिणाम होगा अगर कांग्रेस के पक्ष में जाता भी है तो भी वहां पर ये लड़ाई दिखाई देगी? पहली बात तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा नहीं, आज मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा, और दूसरी बात अगर चला भी जाए तो कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार 40 सीटें, कांग्रेस 40 सीटें लेकर के आए, 40-45 सीटें लेकर के आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर 60 सीटें कांग्रेस लेकर के आएगी, अब जो वो बड़ा हाइपोथेटिकल है, तो फिर मुख्यमंत्री कोई और बन जाएगा, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ही नहीं चाहेंगे कांग्रेस की सीटें आए। ये आप, मैं नहीं कह रहा, बच्चा बच्चा हरियाणा का इस बात को कह रहा है, तो भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस को हरियाणा में लग जाएंगे। बीजेपी भी 62 सीटों की बात कर रही है, उनकी जो आखिरी रैली थी उस रैली के दौरान एक चर्चा निकली जो अमित शाह पहले आए थे, उसके बाद फिर से अब उनका दौरा लगेगा, उस दौरान कहा कि रिपोर्ट हमने सौंपी है और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि 62 सीटें। ऐसा है कि 62 सीटें पिछली बार कहते थे 75 सीटें तो आई थी 40 सीटें, अब मैं उन्हीं की बात को मान लूं तो 40 से भी कम आए ये तो ये, अगर मैं 75 पार की बात के हिसाब से एवरेज निकालूं तो 40 सीट आई थी, और अगर आप 62 कह रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी तो फिर और भी कम आएंगी, तो ये तो खुद ही हार मानने वाली बात होगी। अगर उनकी 40 आती हैं तो फिर उनको कोई साथ चाहिए होगा, तो साथ कौन होगा? नहीं, जो मेरे मुंह से आप सुनना चाहते हैं मैं इसको साफ कर दूं, हम उनके साथ नहीं होंगे। जी ठीक है, इनेलो बसपा को लेकर भी अब प्रश्न आपसे करूंगा कि एक परिवार टूटता है फिर एक नई पार्टी बनती है, आप लोग मेहनत करते हैं और फिर सत्ता में भी आते हैं, इनेलो लंबे समय से सत्ता में नहीं और इस बार उन्होंने कहा है कि हमने कमेरे किसान वर्ग का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है और लहर हमारी दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि हाँ इनेलो कम से कम वापसी करेगी, कुछ सीटें जो बढ़ेंगी उनकी, या वो भी सरकार बनाने की भूमिका में दिखते हैं आपको? इनेलो वापसी तब करेगी जब अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से 20-25 हजार वोटों से चुनाव हार रहे, और मुझे उनकी कहीं भी कोई सीट आती नजर ही नहीं आ रही, जब सीट आती नजर नहीं आ रही तो वापसी कहां से करेंगे, ना ही बसपा की कोई सीट आती नजर आ रही। जी, तो आप लोगों को खुद को क्या आकलन किया आप लोगों ने, हालांकि बड़ा अभी प्रारंभिक सवाल हो जाएगा, लेकिन खुद का आकलन क्या है कि कितनी सीटें मजबूती के साथ आप लड़ रहे हैं? मैं सुबह से शाम तक डवाली में हूँ जी, अभी भी किसी कार्यक्रम में पहुंच गया हूँ आपसे बात करता करता जी, और डवाली से बाहर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है इस टाइम पे। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, डवाली की सीट 8 तारीख को आप मुझे फिर जोड़िएगा और मुझे आप बधाई देंगे, मैं आपको बधाई। चलिए, बहुत शुभकामना आपको और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना व्यस्त समय आपने निकाला, और बिल्कुल 8 तारीख को आपको भी जोड़ूंगा, फिर आपकी पार्टी के साथ भी सवाल भी होंगे, और अभी आप रैली में व्यस्त है, अपने कार्यक्रम व्यस्त है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिग्विजय चौटाला हमारे साथ थे, उनका दावा है कि डबवाली तो कम से कम वो जीत रहे हैं और बाकी उनकी पार्टी की भूमिका भी बड़ी होगी, उस पूरे भूमिका को हम आगे देखेंगे, समझेंगे कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी खबर जो बात कही है दिग्विजय चौटाला ने कि हमारी सरकार में ऐतिहासिक काम हुए, वो सरकार बीजेपी के साथ थी लेकिन बीजेपी ने हमारे कुछ कामों में रोड़े